संडे है, छुट्टी का दिन है, हम सब अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं। होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे, यूं ही अच्छे रहिए और अपने घर में बने रहिए। दोस्तों आज छुट्टी था मेरे को, आराम करने का टाइम था, लेकिन मुझे अचानक एक ऐसी इनिंग आ गई जिस जो मेरे को रोक नहीं पाई, और मैंने सोचा क्यों नहीं आज वही वीडियो आज ही अपलोड करूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को कुछ पुरानी यादें ताज़ा होगी आप लोगों के साथ। दोस्तों एक बार की बात है, आई एम गोइंग टू कट योर थ्रॉट ऑफ, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। उसके बाद एक दूसरा आदमी इसके बारे में बोलता है कि तुम्हें पता है तुम ये जो मेरे हाथ में बल्ला देख रहे हो, तुमको पता नहीं इस बल्ले से मैं तुमको कहाँ मारने वाला हूँ। जी हाँ, इसी तरीके के कुछ वर्ड्स आप लोगों को शायद याद आए तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों मैं बताता हूँ। जी हाँ, ये इंसिडेंट 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और भारत के बीच में हुआ था, जिस समय से एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को कुछ ऐसी बातें कही थी कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, और युवराज सिंह ने बाद में उनको ये बोला था कि जो तुम ये हाथ में मेरे बल्ला देख रहे हो, तुमको पता है इस बल्ले से मैं तुमको कहाँ भेजने वाला हूँ। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले वर्ल्ड में 3 या 4 ऐसे प्लेयर बहुत होंगे जो कि 6 बॉल पर 6 छक्के मारे होंगे, और ये शायद दुनिया में ये कोई अब आज के डेट में नई बात नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर से भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और ये एक तरह से सुनहले अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे ये बात याद आ रही है 19 सितंबर 2007 की वर्ल्ड कप का 21वां मैच, पहला T20 वर्ल्ड कप, उसका 21वां मैच एक तरह से भारत के लिए क्वार्टर फाइनल था इंग्लैंड और भारत के बीच। उससे पहले दोस्तों एक आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, उससे 2-3 महीना पहले भारतीय टीम इंग्लैंड के लिए गई होती है, जहाँ पे इंग्लैंड नीदरलैंड और भारत का एक त्रिकोणीय श्रृंखला होता है, जिसमें 6ठे वनडे जो कि इंग्लैंड के लंदन में खेला गया था, वहाँ पे युवराज सिंह के एक ओवर में दिमित्री मार्कनेस ने 5 छक्के सहित 33 रन मारा था। उसके बाद युवराज सिंह ने एक अपने इंटरव्यू में बोला है कि इस ओवर के बाद मैं अगले 15 दिन तक सो नहीं पाया, और वो कभी कभी मेरे को वो एक तरह से डरावने सपने की तरह होता है। तो दोस्तों जैसे मैं बता दूँ, एक साइंस का भी लॉ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कि लॉ रिफ्लेक्स लॉ ऑफ एक्शन, कि आप जैसा करते हैं वो नेचर भी आपको वैसा ही देता। तो शायद दोस्तों प्रकृति के इस नियम को सही करने के लिए भी एक दिन वैसा आना था जो उस दिन आया। और फिर 21वां मैच की बात फिर मैं आपके सामने वो दोहराता हूँ, वो एक तरह से क्वार्टर फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच में था। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और भारतीय ओपनर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने पारी की शुरुआत करने गए, और इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 ओवर में 113 रन की पार्टनरशिप कर डाली। इसके बाद गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जल्दी जल्दी आउट होते हैं, उसके 5 रन बाद फिर से रॉबिन उथप्पा आते हैं, वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय टीम के कप्तान होते हैं वो आते हैं। उसके बाद दोस्तों उस समय तक क्या होता है, 17 ओवर तक भारत का जो स्कोर होता है वो 140 से 45 के आसपास होता है, फिर हम सबको ये उम्मीद होती है कि लगभग 170-175 का स्कोर जाएगा, लेकिन उस दिन युवराज सिंह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो कुछ और ही चीज़ करने वाले थे। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 18वें ओवर में हादसा होता है, युवराज सिंह और एंड्रू फ्लिंटॉफ के बाद के बीच एक नोकझोंक होती है। उसी समय फ्लिंटॉफ युवराज सिंह को एक टिप्पणी करते हैं कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तभी युवराज सिंह बोलते हैं कि जो तुम मेरे हाथ में बल्ला देख रहे हो, तुमको पता नहीं इस बल्ले से मैं तुमको कहाँ पहुँचाने वाला हूँ। दोस्तों वो वाला ओवर फ्लिंटॉफ का किसी तरीके से निकल जाता है। 19वां ओवर लेकर के आते हैं उनके बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड, उस दिन स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए भी वो सपने जैसा उनके दिन रहा होगा। उस दिन क्या हुआ, युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 बॉलों पे 6 छक्के मार करके T20 में कीर्तिमान बनाए, और देखते देखते मात्र 12 बॉल पे अपने सबसे तेज अर्धशतकीय पारी खेली पूरी दुनिया में, जो कि विश्व रिकॉर्ड है, 12 बॉलों पर 50 रन, जिसमें युवराज सिंह ने 7 छक्के और 3 चौके मारे थे, और इस तरह से भारत ने इंग्लैंड के सामने 218 रनों का स्कोर दिया। इंग्लैंड की टीम जब उस पहाड़ जैसे स्कोर को चेस करने के लिए आती है, तो इंग्लैंड की टीम भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहती है, नियमित अंतराल के बाद उनके विकेट गिरते जाते हैं। इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाज जैसे विक्रम सोलंकी 43, केविन पीटर्स 39, कैप्टन पॉल कॉलिंगवुड 28, और वो साल लास्ट में 8-9 बॉलों पर 21 रन मारते हैं, लेकिन उनकी टीम मात्र 200 रन पर आउट हो जाती है, और इस तरह से भारत वो मैच 18 रन से जीत जाता है। और भारतीय टीम के लिए उनके जो मेन गेंदबाज आरपी सिंह, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर के 2 विकेट लेते हैं, और इरफान पठान 4 ओवर में 37 रन देकर के 3 विकेट लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये मैच हमारे लिए यादगार है, और जब भी टी20
कि एक महान पारियों की जिक्र किया जाएगा। युवराज सिंह के इस पारी को हम टॉप पे रखेंगे ही नहीं, अभी तो दुनिया इसको टॉप पे रखना चाहिए। दोस्तों हो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और युवराज सिंह के लिए हमें इस पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इन्हीं ऐसे ही प्यार देते रहिए और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।